कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन के बीच सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। केंद्र सरकार ने मंगलवार रात को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। ये बदलाव आज से लागू हो गया है। एक्साइज ड्यूटी में ये बढ़ोतरी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से लिया जाएगा। इससे पेट्रोल पंप पर ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मांग नहीं होने के कारण पिछले माह ब्रांड कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $18.10 के निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। ये 1999 के बाद से सबसे कम कीमत थी। हालांकि इसके बाद कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई और ये $28 प्रति बैरल पर पहुंच गई। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के बावजूद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71.26 रुपए और डीजल की कीमत 69.39 रुपए प्रति लीटर रही। वहीं मुंबई में पेट्रोल का दाम 76.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 66.21 रुपए है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 73.30 रुपए और डीजल 65.62 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल का भाव 75.54 रुपए और डीजल का दाम 68.22 रुपए प्रति लीटर बरकरार है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।